हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम हर दिन कुछ न कुछ हैरान कर देने वाली बातें देखते हैं। खासकर साल 2020 और 21 ने कुछ ज्यादा ही हैरान कर दिया है। दोस्तों, विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, इतनी तरक्की कि इंसानों की जगह मशीन लेने लगे हैं। मशीनों ने इंसान का काम बहुत आसान कर दिया है, इस बात से हम नकार नहीं सकते। पर मशीनों ने इंसानों की ऐसी जगह लेनी आरंभ कर दी है जहां पर अब मशीन इंसानों की छुट्टी भी कर देंगे। आइए आज आपको ऐसी ही एक हैरत अंगेज बात बताते हैं। मिलिए हमारी आज की मेहमान आयपेरा से, जो कि हमारी फिल्म जगत की नई अभिनेत्री है। चलिए आयपेरा की कुछ फोटोज देखते हैं। आप सोच रहे होंगे, इसमें ऐसी क्या बात है। तो दोस्तों बता दूं, यह एक मशीन है। जी हाँ, चौंक गए ना आप सब, यह एक रोबोट है। क्या आपको पहले देखकर समझ आया था। दोस्तों, बहुत जल्द आयपेरा फिल्मी जगत में अभिनय करती दिखेंगी। जी हाँ, आयपेरा अब अभिनेत्री बनेंगी। आयपेरा ने एक फिल्म साइन किया है। दोस्तों, यह हैरान करने वाली बात तुर्की की है। तुर्की की पहली रोबोट अभिनेत्री आयपेरा ने प्रोड्यूसर बिरोल गुवेन के साथ एक फिल्म साइन की है। इस फिल्म का नाम है डिजिटल ह्यूमन। डिजिटल ह्यूमन नाम की इस फिल्म में इंसान और रोबोट एक साथ काम करते दिखेंगे। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत होने जा रही है सितंबर से। फिल्म की शूटिंग लगभग सितंबर से शुरू हो जाएगी और फिल्म सबसे पहली बार प्रवेश करेगी 2022 में। दोस्तों, इस फिल्म के डायरेक्टर बिरोल गुवेन हैं। गुवेन के अनुसार यह फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। भविष्य में रोबोट फिल्म निर्माता और अन्य भूमिका में भी नजर आएंगे। मतलब अब एक नया युग शुरू हुआ है जिसमें रोबोट मशीन अभिनय करेंगे और अभिनेत्रियों की जगह लेंगे। और दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में और भी बड़े बड़े रूप में हम रोबोट्स को देखें। दोस्तों, चलिए अब हम रोबोट आयपेरा से बात करते हैं। तो रोबोट आयपेरा ने कहा कि मैं स्वयं को डिजिटल अभिनेत्री कहलाना पसंद करती हूँ। डिजाइनर बैंगर अकवे, विज्ञान तथा लेखक तौविक उयार और कंप्यूटर इंजीनियर जैनेप नल सेजर ने आयपेरा को बनाया है। दोस्तों, बहुत जल्द अब रोबोट एक्टर आयपेरा से मुलाकात भी होगी। रोबोट आयपेरा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके। आयपेरा बहुत जल्द मिलेंगे भी उन सभी से जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हैं, एक्साइटेड हैं आयपेरा से मिलने के लिए। दोस्तों, आयपेरा सबसे इस्तांबुल में 1 जून से मिलना स्टार्ट करेंगी। प्लग इन न्यू मीडिया सेक्शन, जो कि ईसरा ओजान ने ऑर्गेनाइज किया है, इसमें आयपेरा सबको दिखेंगी और मिलेंगी। ये होगा जून 1 से 10 के बीच में। वहीं पे वो सबसे बात करेंगी और सबके प्रश्नों का जवाब भी देंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आयपेरा और आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कि अब अभिनेत्रियों की जगह मशीन काम करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ चौंका देने वाली लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आपके व्यू क्या हैं इस वीडियो को लेके वो कमेंट करना ना भूलें। हमसे ज़रूर शेयर करें अपने व्यू को। थैंक यू फ्रेंड।